यूपी से बिहार आना पड़ गया मोदी को हराने के लिए। जी बिल्कुल, मोदी को हराना है। क्या डर का माहौल है? डर का माहौल बिल्कुल, जिस तरीके से सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, मतलब जिसके पार्टी के ज्यादा सांसद चुन के आएंगे उसी को कुर्सी मिल जाएगी। हाँ, प्रयास यही होगा बाद में। अच्छा, पहले नीतीश कुमार अगर लाल किला पर झंडा फहराते हैं, हाँ, सोच जाएगा। चाहते हैं कि नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराएं, अगर मोदी को हराते हैं तो नीतीश कुमार को जो है कुर्सी सौंप दी जाए। अब खुलकर कार्यकर्ता बोल रहे हैं, क्या नाम क्या लगता है, वो तमन्ना पूरी हो पाएगी? तमन्ना क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ है नजरिया। बड़े बड़े नेता जहां एक तरफ अंदर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं, वहीं बाहर ऐसे नेता जो बेसिक कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट तय करते हैं कि आगे क्या होगा, रणनीति कैसे बननी है, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई समाजवादी है, तो कोई जदयू का है, कोई राजद का है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। राजधानी पटना में कहाँ से आए आप? हम लोग कानपुर से आए हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका और क्या पद है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर है। मैं समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। यूपी से बिहार आए हैं, आपको यूपी से बिहार आना पड़ गया मोदी को हराने के लिए? जी बिल्कुल, मोदी को हराना है। हाँ, और हम लोग आए इसलिए कि उत्साहवर्धन करने के लिए, कि उत्साह रहे और मोदी को हराना है, क्योंकि जिस तरीके का डर का माहौल आज देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, खुशहाली लाना है, उसके लिए आज सब लोग एकत्र हुए हैं कि कैसे 2024 में भारतीय जनता। क्या डर का माहौल है? डर का माहौल हो बिल्कुल, जिस तरीके से सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, लोगों ने जो कर्जा लेकर के बच्चों को MBA कराया, BTEC कराया, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा। कोई विकास नहीं है, महंगाई कहाँ जा रही है, 200-200 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है, कहाँ सब्जी किस, इस पर कोई चिंतन हो रहा है? मोदी जी के पुराने भाषण देखिए, उनको शर्म आती होगी अपने भाषणों को देख करके, किस तरीके से वो विरोध करते थे, और आज कभी मीडिया के सामने आते हैं, उनकी मन की बात सुनिए, सिर्फ उनकी मन की बात सुनिए। अच्छा, क्या नाम हुआ? एक्टिंग देखिए, एक्टिंग, अच्छे एक्टर हैं वो, उनको फिल्मों में काम करना चाहिए, देश चलाने लायक नहीं है वो। देश, जी बिल्कुल, देश चलाने लायक लोग यहाँ बैठे हैं, जो अंदर जो जिनकी बैठक चल रही है। ये क्या नाम हुआ आपका? मैं पवन श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ, कानपुर से, कानपुर बार, हाँ, कानपुर बार का कुछ अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग को लगता है कि जो बैठक होगी, प्रधानमंत्री किसको निकालेंगे? प्रधानमंत्री की बैठक नहीं हो रही है, आज मोदी को हरा प्रयास किया है, वो प्रयास किया है आपस में, जितने जो अपनी अपनी पार्टी के जो मजबूत नेता है उनके यहाँ बैठक बुला के आपस में सामंजस्य खड़ा करके 2024 का टारगेट। ये तो हम समझ रहे हैं कि 2024 का टारगेट है, ये सब जानते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जितने भी अंदर बैठे हैं, आप इनमें से किसे देखते हैं मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का चेहरा? ये जब 2024 का जो रिजल्ट आएगा, जिस प्रदेश में जिसकी जो भी सत्ता जितने अच्छे लाएगी। अच्छा, अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को PM बनाने के लिए आप तैयार हैं? ऐसा कोई नहीं है, यहाँ नीतीश जी हैं, यहाँ जितने भी मुख्यमंत्री बैठे हैं अपने अपने प्रदेश के, बहुत घाक मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सब तगड़े हैं, सब आपस में एक तगड़े हैं, तो नेता कौन बनेगा? अच्छा, उनका एक्सपीरियंस है, वो रिजल्ट के बाद ये तय होगा आपस में, मतलब जिसके पार्टी के ज्यादा सांसद चुन के आएंगे उसी को कुर्सी मिल जाएगी। हाँ, प्रयास यही होगा बाद में। पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। आगे आएगी तो हाँ, क्या कौन से पार्टी के हैं आप? मैं जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। क्या जानना चाह रहे हैं आप? हम पूछना ये चाह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग कार्यकर्ता हैं, हर कोई चाहता है कि हमारी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने, अगर हम लोग महागठबंधन जीते तो। नीतीश कुमार को राहुल गांधी PM बनने देंगे? सबसे पहले पत्रकार जी, आप लोग चौथे स्तंभ है, ये चीज को बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में तब का कानून का राज और आज कानून का राज में बहुत अंतर है ना। हमारे यहाँ कहीं कोई खाली हाथ मुख्यमंत्री जी के यहाँ से नहीं लौटता, बात समझिए। अच्छा। आज जनता का दरबार जो लगा रहे हैं, तेलंगाना CM लगा रहे हैं, कर्नाटका CM लगा रहे हैं, आपके फिर गोवा के CM लगा रहे हैं, आपके पश्चिम बंगाल के CM लगा रहे हैं, हमने तो इतने CMO का नाम गिना दिया। केजरीवाल साहब नहीं लगा, केजरीवाल साहब भी बैठक में मौजूद है, वो भी लगा। नीतीश कुमार को सब फॉलो करते हैं, ये चीज हम नहीं बता रहे, ये चीज चौथे स्तंभ है, ये चीज JP साहब लोहिया जी कपूरी जी को कोई आदर्श के रूप में उतारा, तो वो व्यक्ति नीतीश कुमार, विपक्षी का यहाँ एकजुटता होना, ये क्या संदेशा देता है? ये ना देता है कि नीतीश कुमार अगर लाल किला पर झंडा फहराते हैं तो इससे हमारे और पूरे बिहार वासियों को एक अच्छा संदेश के साथ एक अच्छा सोच जाएगा। चाहते हैं कि नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराएं, अगर मोदी को हराते हैं तो नीतीश कुमार को जो है कुर्सी सौंप दी जाए। अब खुलकर कार्यकर्ता बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका?
मनीष कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल से हूँ। आपके तो दिल में क्या तमन्ना है ये लगभग जाहिर है, लेकिन क्या लगता है वो तमन्ना पूरी हो पाएगी? तमन्ना क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ है नजरिया है। हमारे महागठबंधन के लोग जो है जिस तरीका से प्रयास हमारे राष्ट्रीय जनता दल के देखिए चर्चा पे बात करते हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार तो सब सीएम को साथ लेकर आए, लेकिन पीछे की कड़ी लालू यादव ही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए होता ही है ना, गठबंधन कराने का कोई कुछ न कुछ एक आदमी होता ही है ना जो बैकअप देता है। आपको जिस तरीका से याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जब पीएम मटेरियल घोषित किया था, उसके पीछे भी रीजन कौन था? जग जाहिर था, जस्ट लाइक हर एक गठबंधन बनता है तो उसके पीछे एक आदमी होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को पोलराइज करते हैं। महागठबंधन भी हमारी जो है आज के दिनों में ज़रूरत है। सब एक गठबंधन कर करके केंद्र सरकार को गलत नीतियों का विरोध करेंगे, और जो सरकार केंद्र सरकार जो हमारे महंगाई रोजगार में संबंधित जितने भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए इकट्ठा हुए। कुल मिलाकर जनता की बात आप तक पहुंचाई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।